आज आपको पॉकेट बनाने का तरीका बताएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक फैब्रिक लेना है विड्थ में ज़्यादा बगैर जोड़ का। ये देखें, लेंथ 7 इंच लेनी है आपने और विड्थ आप पर डिपेंड करता है, थोड़ी ज़्यादा भी ले लें कम भी, लेकिन मैंने 10 इंच की विड्थ ली है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये 10 इंच की बगैर जोड़ का आपने पीस लेना है 10 इंच का, और 7 इंच इसकी लेंथ है। अब इसे डबल फोल्ड कर लें इस पॉकेट के फैब्रिक को। अब इसको नीचे फैब्रिक के नीचे रखें ताकि हमें पॉकेट की जो डिज़ाइनिंग कटिंग करनी है वो इसके मुताबिक करें राउंड शेप में, क्योंकि मैंने सैंपल दिखाना था सेम इसी तरह की पॉकेट का, तो आपको इसी फैब्रिक पर रख कर दिखाऊंगी। ये देखें, आपने 4 इंच की निशान लगाना है और इधर भी आपने 2 इंच का, ये आपने राउंड कर लेना और कट कर कर इसे रेडी कर लें। दोनों पीसीस को आप देख रही हैं, आपने सिर्फ इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है दोनों पीसों की राउंड शेप में। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, आपने जो लाइनिंग पीस है इसको राइट साइड पर रखना है ताकि इसकी सिलाई ऊपर की तरफ लगे। ये देखिए, हल्के हल्के से कट भी लगानी है, क्योंकि राउंड शेप में जब तक आप कट नहीं लगाएंगी इसमें नीटनेस किसी सूरत भी नहीं आएगी। कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें फैब्रिक को। ये देखें, आयरन कर कर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक हमने डिज़ाइनिंग समझानी है तो इसके ऊपर आपने 2 सिलाईस लगानी है। ये देखें, एक सिरे की एक थोड़ी सी साइड पर, यानी कि चंद आप इसके पॉइंट पर सिलाई लगा लें। बहुत इजी मेथड के साथ ये पॉकेट बनती है, इसको बनाने का बहुत इजी मेथड है। ये देखें, जो एक फैब्रिक था वो हमने अंदर की तरफ रखा था, उसी को अंदर फोल्ड कर कर 2 सिलाई लगाएं, एक सिरे की और एक थोड़ी सी यानी कि 2.3 पॉइंट के बाद। अब ये हमारी पॉकेट देखें रेडी हो गई है। अब जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको आपने बाहर इस तरह फोल्ड कर लेना है और नीचे से आपने राउंड करना है, क्योंकि वो डबल फोल्ड था तो हमें एक ही फैब्रिक में इस तरह से पॉकेट बनाने में आसानी रहती है। 2-3 सिलाइयाँ लगा लें, क्योंकि अगर आपकी मनी ज़्यादा है, वजनी है तो बच्चे की या आपकी, तो नीचे से खुले ना। अब ये देखें, हमारी ये पॉकेट तैयार है बहुत ईजी मेथड के साथ। अब अगर आप चाहें तो इसमें बेबी का, ये देखें, शर्ट का फ्रंट भी बना सकती हैं, इसमें नेक लाइन भी कटिंग कर लें। इसी तरह बड़ी बेबीज़ की भी शर्ट बनती है इसी तरह पॉकेट वाली, लेकिन उनकी पॉकेट थोड़ी नीचे लगती है बॉडी से नीचे की तरफ। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।